बोधगया सीरियल ब्लास्ट पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कहते हैं कि ऐसे समय में सबको एकता दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सवाल है कि जब नीतीश को ये पता था कि ऐसी घटना हो सकती है तो उन्होंने क्या किया। हालांकि नीतीश की माने तो सूचना मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की थी, लेकिन उसके बावजूद घटना हो गई। नीतीश कहते हैं कि ऐसी घटना को रोकने का दावा कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार की बातों का मतलब साफ है, आगे कुछ भी हो तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। इस तरह की हर घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, आगे के लिए सबक सीखना चाहिए, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई दावा कर सकता है देश के किसी हिस्से के लिए कि ऐसी वारदातें नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा कोई दावा नहीं। अब नीतीश का ये बयान बीजेपी के लिए मुद्दा बनाने के लिए काफी है। बीजेपी कहती है कि सरकार को जब जानकारी थी तो पहले से ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। बीजेपी कहती है कि नीतीश ने इस बात की जानकारी सहयोगियों को नहीं दी थी, इसलिए घटना के इकलौते दोषी नीतीश हैं और कोई नहीं। निश्चित रूप से हम सरकार में थे, लेकिन ये जो आईबी के ऐसे रिपोर्ट आते हैं बहुत सीक्रेट रिपोर्ट होते हैं, यह सरकार के सभी मंत्रियों को यह रिपोर्ट नहीं बांटा जाता है, यह केवल किसी भी राज्य को जब ऐसी सूचना जाती है केंद्र के आईबी की तरफ से तो वह उसके मुख्यमंत्री को जाती है और उसके गृह मंत्री को जाती है। बिहार में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नीतीश जी ही काम कर रहे हैं, इसलिए यह रिपोर्ट नीतीश जी के पास थी, जनता पार्टी के मंत्रियों के पास वो विभाग नहीं था और न भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ या उप मुख्यमंत्री के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को शेयर किया था। तो जब कोई मंत्री बताएगा नहीं तब तक दूसरा कोई जानेगा नहीं, तो पूरी जिम्मेवारी उनकी है क्योंकि उन्हीं के संज्ञान में सारा विषय। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके ही बयान पर घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि नीतीश अपील कर रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी भला क्यों बाज आए, उसके हाथ मुद्दा जो बड़ा लग गया है। कैमरामैन कुणाल और सिंधु मनीष के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज़, पटना।